Hey guys, welcome back to the channel। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं अ साइकिलिंग हेलमेट फ्रॉम कल्सपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको क्रेडिया की साइकिलिंग हेलमेट वाली अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि मैंने कल्सपोर्ट की हेलमेट खरीदी हुई है, सो दिस इज द हेलमेट। वो मुझे कल डिलीवर हुई थी एंड ये मुझे आज डिलीवर हुई है। तो अब जल्दी से करते हैं ऐसे अनबॉक्स एंड सी कि हाउ is the quality and the fit and finish। Now I am obviously very much excited because जो क्रेडिया की साइकिलिंग हेलमेट थी वो बहुत लाइट वेट थी एंड बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा एक साइकिलिंग हेलमेट के साथ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि हाउ दिस वन टर्न्स आउट टू बी। तो इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गाइस, इसमें मैं डैमेज नहीं करना चाहता इसको। एंड ये भी बिना कार्टन के मुझे मिली थी, बट अब मुझे आइडिया हो गया था कि द साइकिलिंग हेलमेट इज़ क्वाइट लाइट वेट। सो खाली बॉक्स नहीं मिलेगा अगर ये मुझे कार्टन में भी मिली होती तो। ओप्स, एटलीस्ट इसमें इन्होंने मुझे बाहर से कवर प्रोवाइड किया है। क्रेडियक वालों ने कवर नहीं प्रोवाइड किया था, बट क्रेडिया की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। मुझे फ्लिपकार्ट से एक ही दिक्कत है कि फ़्लिपकार्ट की पैकेजिंग बहुत बेकार आती है। अमेज़ॉन की पैकेजिंग काफ़ी बेटर होती है कंपेयर टू द फ्लिपकार्ट। ठीक है, डिसेंट सी पैकेजिंग है, क्रेडियक की हेलमेट के मुकाबले की पैकेजिंग नहीं है। डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से पैक हुई थी, दो ये भी बबल रैप्ड हुई है, बट दैट वॉज वेरी सिक्योरली पैक्ड। यार ये बहुत ज़्यादा टेपिंग थी। सो फाइनली हमारी हेलमेट रिवील होने वाली है। नाउ दिस इज वाइट इन कलर, दो मुझे कलर इतना अच्छा लग नहीं रहा है बिकॉज क्रेडियक वाला कलर बहुत अच्छा था। दैट वॉज लिटरली, वो लग नहीं रही थी कि वो 800 रुपीज़ की हेलमेट है और 700 रुपीज़। दिस लुक्स लाइक अ टॉय। और इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, स्पॉइलर अलर्ट, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्रेडियक की इससे ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, बट मे बी आई एम रॉन्ग। दिस इज़ मोर ऑफ अ रोड बायस हेलमेट। जो क्रेडियक की थी दैट वॉज फॉर द MTBs। एंड अब इसको जल्दी से पहन के देखते हैं कि कंफर्ट कैसा है एज़ कम्पेयर टू द क्रेडियक वन। एंड इसमें भी आपको हेड सपोर्ट मिल जाता है। ओ गुडनेस, ये फिट ही नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये अंदर जा ही नहीं रहा है इससे आगे। सो अगर मैं जोर लगाऊंगा मे बी ये ब्रेक हो जाए। आई डोंट वांट टू डू दैट। वैसे भी मुझे इतनी अच्छी लग नहीं रही है, सो आई एम गोना रिटर्न दिस स्ट्रेट अवे। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ साइकिलिंग हेलमेट, कल्सपोर्ट की हेलमेट ना खरीदें, दिस इज़ नॉट दैट गुड। नाउ ये कहाँ से निकला अब, आई एम नॉट श्योर। ये सेंटर से निकला होगा, मे बी सेंटर से निकला होगा, और तो कोई जगह नहीं है इसकी। यस, दिस इज़ नॉट द हेलमेट आई एम लुकिंग फॉर। अब ये लुक वाइज कैसी लग रही है, आई एम नॉट श्योर। इसकी तो फिटिंग भी अच्छी नहीं है यार। नो नो नो, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। इसमें ये वाइज़र भी फ्री है, ये टाइट करेंगे तो टाइट भी नहीं हो रहा है। सो मैनी प्रॉब्लम्स। सो गाइस, मैंने इसका रिटर्न डाल दिया है बिकॉज ये बहुत बेकार सी क्वालिटी लग रही थी। मुझे लगा था कि कल्सपोर्ट की ब्रांडेड हेलमेट है तो अच्छी खासी होगी, बट अगेंस्ट द ऑड्स ये बहुत बेकार है। क्रेडियक इज़ 10 times बेटर देन दिस हेलमेट। इसका ये भी फ्री है यार, ये जो टाइट करने के लिए है ये भी काम नहीं कर रहा है। बाकी तो छोड़ो ना, इसका ये स्ट्रैप लग रहा है, मैंने इतनी ट्राई की है ये स्ट्रैप लग ही नहीं रहा इसके साथ, अब जाके लगा है। वाओ, वो भी उल्टा करके। ये शायद से इन्होंने मुझे गलती से उल्टा दे दिया है क्या। यस, द स्ट्रैप डिज़ाइन इज़, ये स्ट्रैप ही उल्टा दिया हुआ इन्होंने मुझे, तो इसका क्या किया जाए। हाँ, स्ट्रैप उल्टा प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, ये गलती है कल्सपोर्ट की, बट वो मानेंगे नहीं। अब इसको मुझे
ये ऐसे करके गलत तरीके से करना पड़ेगा अगर मुझे इसे यूज़ करना है तो, अदरवाइज़ मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा। एंड इनकेस अगर मैं इसे उल्टा करके यूज़ भी करता हूँ, मोर ओवर इसकी फ़िटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। क्रेडिएक की फ़िटिंग काफ़ी अच्छी थी, इसकी फ़िटिंग बहुत बेकार है। ये मुझे अच्छे से फिट भी नहीं आ रही, ये बाहर निकल रही है मेरे सर से, वो अच्छे से सेट हो रही थी मेरे सर पे, ये निकल रही है। तो अगर मुझे इसे रेट करना आउट ऑफ 10, आई वुड रेट इट 1 और आई वुड रेट इट 0। ये क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं इसको बोलने के लिए। सो कंक्लूड करते हैं इसको, अगर कलर देखा जाए, सो अनबॉक्सिंग करते टाइम ही मुझे ये लग रहा था कि कलर बहुत चीप सा लग रहा है, वो वाइब्रेंट कलर नहीं है। सो क्वालिटी अनबॉक्सिंग के टाइम बेकार। उसके बाद डिज़ाइन बहुत बेकार, बहुत लूज सा डिज़ाइन है, मैं इसको अपने सर पे बिठा नहीं पा रहा हूँ, सेट नहीं कर पा रहा हूँ। एंड स्ट्रैप क्वालिटी बहुत पैथेटिक है। एंड ये जो ये हेड एडजस्टेबल स्ट्रैप, ये भी बहुत बेकार है, ये स्लिप कर रहा है। सो ओवरऑल कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे इसमें अच्छी लगी हो। हाँ, लाइट वेट है, बट वो तो आई गेस साइकिलिंग हेलमेट सारी ही लाइट वेट होती हैं, एंड क्रेडिएक वाली इससे ज़्यादा लाइट वेट है, फॉर श्योर इससे ज़्यादा लाइट वेट है। सो इट्स अ स्ट्रेट नो फ्रॉम माय साइड। सो अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं ये सोच के कि ये ब्रांडेड हेलमेट है, डोंट गो फॉर दिस, गो फॉर द क्रेडिएक वन। इससे हाफ रेट पे है यार वो, एंड इससे 10 टाइम्स बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। मे बी आपको इस वीडियो में कुछ हेल्प मिली होगी, इन केस यू वांट टू बाय अ साइकिलिंग हेलमेट। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। Peace.